असम रिज़वान चीमा वेलकम बैक विद वीडियो ऑफ कैपिटल स्मार्ट सिटी और आज इस वीडियो में कैपिटल स्मार्ट सिटी में होने वाले डेवलपमेंट के हवाले से अपडेट करूँगा स्पेसिफिकली इंटरचेंज और इंटरचेंज जो कनेक्टिविटी रोड है जिसकी वर्थ है फोर हंड्रेड्रेड्रेड्रेड फीट उस हवाले से भी अपडेट करूँगा दिस वीडियो वॉज रिकॉर्डेड ऑन मेड ऑफ डिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी टू और इस वीडियो में आपको बाकी जो कनेक्टिविटी एक्सेस है यानी कि तमाम डिस्ट्रिक्स जिसमें ओवरसीज ईस्ट है ओवरसीज़ीजी प्राइम है एक्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट है और ओर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है उन तक जो एक्सेस पॉइंट बनता है उसके हवाले से एक्सप्लेन करूँगा करंटली जो इंटरचेंज आप देख रहे हैं ये जो रास्ता आप देख रहे हैं इसमें ब्लैक टॉप हुआ है उस पर भी कारपेटिंग काम स्टार्ट हो गया है और इसकी एक्सेस जो है वो मेन एम टू मोटरवे से टेम्प्ररी जो पासिस के थ्रू आप अगर ब्लड से साइड विजिट करते हैं मैंने एक वीडियो पहले पोस्ट भी की थी मैं दोबारा एक वीडियो बना दूंगा जो जीरो पॉइंट से लेकर अगर आप एक्सेस करते हैं इस पॉइंट तक तो अब कितना टाइम लगता है प्लस के साथ साथ जो आपका एक्सेस के लिए जो पास रिक्वायर्ड है उसके बारे भी बता दूंगा इसके अलावा अगर बात करें कि ओवरसीज सेंट्रल की इस एक्सेस पॉइंट से क्या ताल्लुक है एक्सेस पॉइंट पर ओवरसीज सेंट्रल का क्या इफेक्ट uh, पड़ेगा उसकी प्रॉपर्टीज़ पे उस हवाले से भी जिक्र करूँगा तो सबसे बात करते हैं इस टेम्प्री एक्सेस का एम टू मोटरवे पे एम टू मोटरवे पे भामरा इंटरचेंज इस्लामाबाद से लेके टिल बाबू साहबो इंटरचेंज लाहौर तक किसी सोसाइटी के पास इंडिपेंडेंटली अपनी एक्सेस जो है मोटरवे पे अपना इंटरचेंज मौजूद नहीं है कैपिटल स्मार्ट सिटी द फर्स्ट सोसाइटी जिसके पास अपना एक्सेस मौजूद है और एक्सेस मौजूद होने के साथ साथ उसकी टेम्परी एक्सेस ओपन भी कर दी गई है याद रहे कि जो मोटरवे होती हैं किसी पब्लिक रोड पर अपना इंटरचेंज लेने के लिए एक बहुत बड़ी रकम रिक्वायर्ड होती है बहुत बड़ी पेमेंट

देख भी रहे हैं कि एक्सेस पॉइंट से यानी कि पे एक्सेस बना हुआ है उस पॉइंट से आगे मेन 400 फीट रोड जो फ्यूचर में जाके मेन बोले को कनेक्ट करेगी 400 फीट को इसके राइट और लेफ्ट साइड पे कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट हैं लोकेटेड हैं और ये जाकर रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट जिसको कनेक्ट करेगी या ब्लॉक को कनेक्ट करेगी उसका नाम होगा डॉक्टर्स और इस डॉक्टर के राइट साइड पर सारा ओवरसीज सेंट्रल है सामने वाली साइड पर ग्रैंड जामिया मॉस्क है और इसके अगर हम बात करें नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट साइड पर तो आपका एक्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट बनता है और अगर इसकी बात करें नॉर्थ वेस्ट साइड पर तो आपका गोल्फकोर्स साइड बनती है तो ये ओवरऑल इंटरचेंज के एक्सेस पॉइंट की मैंने जनरल डोमेन एक्सप्लेन की है फॉर द टाइम बिंग जो आपको टेम्प्रेरी रोड नज़र आ रहा है जिसकी वेट था 50 फुट ये एक्सेस सोसाइटी ने पिछले तकरीबन 10 से 15 दिन के दौरान यानी इंटरचेंज जब ओपन हुआ था जिस दिन ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी थी टेम्प्रेरी एक्सेस की उस दिन ये चीज़ें कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करती थी यानी अगर आप उस दिन साइट विजिट करते हैं जिन मेंबर्स ने विजिट किया भी था उस दिन तो उस दिन यहाँ पे कुछ भी मौजूद नहीं था और अभी सोसाइटी की तरफ से एक टेम्प्ररी एक्सेस जो प्रोवाइड कर दी गई है टिल दैट पॉइंट जहाँ पे इंटरचेंज के साथ बाकी डिस्ट्रिक्ट कनेक्टेड हैं वहाँ पे और सोसाइटी की तरफ से बात है बड़े स्केल पर पोजेशन भी ऑफर किया गया है तो जिन मेबर्स ने अपना घर कर स्टार्ट करना है उनकी ईजी एक्सेस को मद्देनज़र रखते हुए इस रोड को तैयार किया गया है अब बात करते हैं जो बाकी इसका ओवरऑल गूगल अर्थ लोकेशन पे कि ये एरिया कहाँ पर लोकेटेड है इसमें डेवलपमेंट किस साइड पर हुई है मोस्ट प्रॉब्ली गूगल अर्थ लोकेशन पर अभी तक इमेजेज अपडेट नहीं हुई बट मैं फिर भी ओवरऑल आपको तमाम डुपेन एक्सप्लेन कर दूँगा कि इसमें ओवरऑल डिवेलपमेंट के फ्यूचर पर फॉर द टाइम बिंग इन दर्स्ट कंडीशन ऑफ द वर्ल्ड इकानमी फिर भी पाकिस्तान में एक सबसे स्ट्रॉग होल्ड प्रोजेक्ट है जिसका नाम है कैपिटल स्मार्टी लाहौर स्मार्टी उसके डेवलपमेंट के हवाले से फ्यूचर में क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं उस हवाले से भी आगे जाकर वीडियो में आपको डिटेल्स एक्सप्लेन कर दूँगा इस वक्त कैपिटल स्मार्ट सिटी का मास्टर प्लान देखते हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी के मास्टर प्लान में जिस पॉइंट पे इंटरचेन कंस्ट्रक्शन हो रही है वो ये वाला पॉइंट है अभी गूगल अर्थ पे इमेजेस उस तरह से अपडेटेड नहीं है लेकिन मैं फिर भी आपको ओवरऑल डिटेल्स के एक्सप्ल कर दूँगा कि ओवरऑल डेवलपमेंट के लिहाज से या ओवरऑल चीज़ों को देखा जाए तो ये वाला इंटरचेन का पॉइंट है इसके आने वाले छः से माह में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अब इस पॉइंट से कनेक्टिविटी रोड के साथ अब ये जो आपको एग्जैक्टिव ब्लॉक कवरेज नज़र आ रहा है जो ऑलरेडी यहाँ पे बी ब्लॉक के साथ कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ से लेके इस पार्ट तक रोड की मुकम्मल कारपेटिंग की जा चुकी है और इस पार्ट से लेके इस पार्ट तक भी मुकम्मल कॉर्पेटिंग हो चुकी है जहां तक फोनर फीट रोड की बात है तो इस पार्ट से लेकर इस राउंड अबाउट से लेकर इस पार्ट तक मुकम्मल आपको प्रॉपर कारपेटिंग वगैरह नजर आएगी सॉरी इस पार्ट से लेकर इस पार्ट तक मुकम्मल कारपेटिंग वगैरह नजर आएगी एसफॉल्ट नजर आएगा और फिर ऑपोजिट साइड पे जाते हैं ये आपको जो पब्लिक रोड नजर आता है जो आके जाके पीछे मिलता है यहां से लेके यहाँ तक ब्लॉक सी के सामने तक यहाँ पे ब्लॉक सी बनता है उसके सामने तक भी प्रॉपर रोड की एसफॉल्ट हो चुकी है तो ये ओवरऑल डेवलपमेंट है मेन एम टू मोटरवे पे जो कैपिटल स्मार्ट सिटी या मास्टर प्लान है जहाँ से कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी उसकी अब मैं आपको गूगल अर्थ पर चूँकि अपडेटेड इमेजेस नहीं है लेकिन मैं फिर भी ट्राई करता हूँ आपको तमाम डिटेल्स एक्सप्लेन कर सकूँ अभी इवन द गूगल अर्थ लोकेशन पर ये जो आपको ब्रिज नज़र आ रहा है इसकी भी जो कंप्लीशन है वो नहीं हुई लेकिन एक्चुअली में यहाँ से लेके इस पार्ट से लेके इस पार्ट तक मुकम्मल कारपेटिंग हो चुकी है और जहाँ तक इंटरचेंज की बात है ये इंटरचेंज इस पॉइंट पर जहाँ आपको ये रूम नज़र आ रहा है इस रूम के साथ बिल्कुल इस पॉइंट पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है इवन तो ये रूम वगैरह ये जो छोटा सा घर था इसको गिराया जा चुका है इस बिल्डिंग को और इसके साथ प्रॉपरली आगे जो वीडियो के स्टार्ट में उन्होंने फुटेज देखी है कनेक्टिविटी रोड इस तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है इस वाटर बॉडी के साथ से होता हुआ इस तरफ से ये रोड जो है कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है मेन 400 हंड्रेड फीट राइट रोड को अभी डॉक्टर क्लेव का ये जो रोड है ये भी मुकम्मल कारपेटिंग हो चुकी है मैं स्ट्रीट फुटेज एड कर दूंगा बाद में ताकि आपको बेटर अंडर अंडरस्टैंडिंग मिल सके कि ये रोड की सूरत हाल क्या है एक्चुअल में लेकिन फिर भी देखा जाए सोसाइटी की तरफ से विदन टाइम फ्रेम ऑफ टू ईयर्स और थ्री ईयर्स अब स्मार्ट सिटी को लॉन्च हुए तकरीबन ट्वेंटी नाइनटीन में ऑफिशली लॉन्च हुआ था और अभी आज की डेट तक अभी स्मार्ट सिटी को टोटल मैं एरिया काउंट करूँ कि प्री लॉन्च टाइम से लेकर अब तक तकरीबन तो चार साल का टाइम गुजर चुका है चार साल के अंदर पाकिस्तान के सबसे फ्लैगशिप रोड पर सबसे फ्लैगशिप इंटरचेंज लेना सबसे फ्लैगशिप प्रोजेक्ट के लिए जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा एन ओ सी होल्ड करता है एक बहुत बड़ी बात है और आने वाले दिनों में स्मार्ट सिटी के मेम्बर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी जब यहाँ पर डेवलपमेंट या हाई राइज कंस्ट्रक्शन वगैरह स्टार्ट होगी तो स्मार्ट सिटी के अंदर आपको बहुत अच्छे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्लस लिविंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे बेनिफिट्स ऑफर होंगे ये कैपिटल स्मार्टी में आप आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगेन बैक रियल टाइम फुटेज और इस अपनी स्क्रीन पर दोबारा वही डॉक्टर एंड क्लेव की जो मेन रोड है जो अभी सोसाइटी के पास ये सारी इन्वेंट्री रिजर्व है जहां पे 50 फीट की रोड की कंस्ट्रक्शन जो ऑलरेडी इस पर प्रॉपर कारपेटिंग हो चुकी है यानी अगर आप साइट पे विजिट करते हैं तो आपको इंटरचेंज के एक्सेस पॉइंट से लेके जो टेम्प्री एक्सेस पॉइंट अवेलेबल है वहाँ से लेके 400 फीट रोड और 400 फीट से रोड से ले लेके आगे जो एक्जेक्टिव ब्लॉक का ब्रिज है वहाँ से फिर ओवरसीज़ प्राइम वन वहाँ तक प्रॉपर एक्सेस अवेलेबल है और अगर उस ब्रिज के नीचे से होकर गोल्फ कोर्स के साथ साथ से होते हुए आप ओवरसीज ईस्ट की तरफ जाना चाहें तो वहाँ तक भी प्रॉपर एक्सेस अवेलेबल है तो ये ओवरऑल जो डेवलपमेंट की अपडेट है ये मिड ऑफ दिसंबर ट्वेंटी की है एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले छः से माह में जब स्मार्ट सिटी का इंटरचेंज जब कंस्ट्रक्शन तेजी से कंप्लीट होगी तो यहां पे फ्यूचर में जाके आप बड़ी इजी एक्सेस लेके 400 फीट रोड से डायरेक्ट 400 फीट रोड पे एक्सेस ले सकते हैं अभी अपने स्क्रीन पे दोबारा 400 फीट रोड की फुटेज देख सकते हैं और पीछे बैक साइड पे जो आपको जहाँ पे कुछ डिगिंग नजर आ रही है ये वाटर ड्रेनेज है जो मेन रोड के साथ बनाई जाएगी और इसके ऑपोजिट साइड पर यहव सेंट्रल का सारा पार्ट है तो ओवरऑल जो डेवलपमेंट है नीचे आपको नजर आ रही होगी सारी डॉक्टर एन क्लेव की और बैक साइड पर सारा इंटरचेंज का एरिया प्रॉपरली एक्सेस लेके आप साइड पर जा सकते हैं अब मेंबर्स का एक दूसरा सवाल होता है कि मेंबर्स की फाइल्स कैंसिल हुई हैं उनका इस फ्यूचर उनका उनकी फाइल्स का फ्यूचर क्या है उनके इन्वेस्टमेंट का फ्यूचर क्या बनता है अब देखें, जिन मेंबर्स की 2020 और 2021 की बुकिंग थी और उनकी इंस्टॉलमेंट्स क्लियर नहीं थी इवन तो थर्टी से नीचे थी उनकी तरफ से सोसाइटी की तरफ से वो फाइल्स जो हैं कैंसिल कर दी गई हैं बट उन फाइल को अनकैंसिल करवाने का तरीका यह कि थर्टी दिसंबर ट्वेंटी से पहले आप अपनी ड्यू इंस्टॉलमेंट प्लस टू इंस्टॉलमेंट एडवांस क्लियर करके अपनी फाइल को अनब्लॉक करवाते हैं अपनी फाइल को अनकैंसिल करवाते हैं जिसके बाद दोबारा फाइल वो नॉर्मल फाइल हो जाएगी और अगली बैलेटिंग में फाइल कंसिडर होंगी अब एक दूसरा सवाल भी आता है, 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 है कि ओवरसीजन की बैलेटिंग हैं जब सोसाइटी की तरफ से फोर्टी परसेंट एलोकेट हुई थी लोकेशन एलोकेट करवाने के बाद किसी मेंबर ने कोई इंस्टॉलमेंट क्लियर नहीं की थी इसकी सोसाइटी ने बावजा मजबूरी वो फाइल जो है उनको ब्लॉक कर दिया लोकेशन को ब्लॉक किया फाइल्स कैंसिल नहीं हुई अगर आपकी ड्यू इंस्टॉलमेंट है अपनी क्लियर करते हैं इंस्टॉलमेंट क्लियर के बाद आप उस पर अपनी दो इंस्टॉलमेंट एडवांस क्लियर करते हैं तो आपको तमाम के तमाम आपकी फाइल जो है लोकेशन है उनका अनब्लॉक कर दिया जाएगा और आप अपने ओवरसीज प्राइम वन के प्लॉट पर पोजेशन अप्लाई करके कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट कर सकते हैं तो ये ओवरऑल ओवरसीज प्राइम वन के मेंबर्स का है इसके अलावा ओवरसीज सेंट्रल के कुछ मेंबर्स की फाइल्स कैंसिल हुई थी तो उनके लिए वही पैटर्न है कि आप ड्यू इंस्टॉलमेंट क्लियर करें और अपनी अपनी फाइल को दोबारा रिट्रीव कर लें ये नॉर्मल ऑप्शन बनता है क्योंकि स्मार्टवेड की तरफ से देखें अब की मैंने वीडियो के स्टार्ट में बात की थी मैं पहले भी अक्सर बात करता हूँ वीडियोज़ में कि आप एक प्रोजेक्ट जिसका पच्चीस हज़ार छः सौ दो कनाल के एन ओ सी है और उन्होंने पच्चीस हजार छः सौ दो कना मल्टीपल बाई सिक्सटी थाउजेंड पर कनाल सिर्फ इंटरचेंज की फीस पे की है एन एस एन एच ए को इंटरचेंज की कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेपरेट है इंटरचेंज के लिए जो लैंड फोर हंड्रेड एटी सेवन कनाल जो एम टू मोटरवे के ऊपर लैंड थी इंटरचेंज के बिल्कुल ऊपर वो लैंड जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के नाम पर ट्रांसफर कराई है इन सारे कामों में पैसा लगता है तो पैसा जाहिर सी बात है कि वो मेम्बर से आएगा जिन मेब्स के ऑलरेडी यहाँ प्लाट हैं अगर आपने प्लाट परचे किया था फिफ्टी सिक्स लगा कमर्शल राज का ओवरसी सेंट्रल में बेलटिंग होगी उसकी साठ पैंसठ सत्तर लाख उस प्रॉफिट आ गया है तो आपका बेनिफिट उन फाइल्स का ही हुआ है अगर आपने uh, एक करोड़ पचहत्तर लाख वाला प्लॉट बाय किया था लाख कमर्शियल और आपका मेन चार सौ रोड पर कमर्शियल आ गया और उस पर दो करोड़ बीस दो करोड़ पच्चीस या दो करोड़ तीस लाख प्रॉफिट है तो प्रॉफिट आप इंजॉय करें बशर्त ये कि आप उसकी इंस्टॉलमेंट भी सारी क्लियर करें अगर इंस्टॉलमेंट क्लियर नहीं करेंगे ट्वेंटी परसेंट प्लस टू इंस्टॉलमेंट थ्री इंस्टॉलमेंट पर रखेंगे या जितना बैलेटिंग में आई थी अमाउंट फिफ्टी परसेंट बेलेट से आपको प्लाट नंबर लग गया और आपने उसके बाद कोई इंस्टॉलमेंट क्लियर करना गवारा नहीं समझा तो उसके बाद आर सोसाइटी की तरफ से भी एक्शन लिया जाएगा और आपकी जो फाइलें हैं उनको कैंसिल या ब्लॉक कर दिया जाएगा तो ये ओवरऑल उन मेंबर्स के लिए अपडेट थे जिन मेंबर्स ने ऑलरेडी और कैपिटल स्मार्ट सिटी में प्लॉट की बाइंग कर रखी है और मेंबर्स को अपने प्लॉट पर जाए बात हर बंदे को अच्छा लगता है कि मेरा प्लॉट महंगा हो जाए इसमें प्रॉफिट हो बट इंस्टॉलमेंट प्ले करने का दिल किसी का नहीं करता तो इंस्टॉलमेंट क्लियर करें अपनी और अपने प्लॉट को अनब्लॉक करवाएं क्योंकि फ्यूचर में अगले छः से आठ माह के दौरान आपके पास कैपिटल में प्लॉट परचेज करना दैट विल बिकम नियर टू इम्पॉसिबल क्योंकि फ्यूचर में जब एक प्रोडक्ट मोटरवे एम टू इंटरचेंज के साथ ओपन होगी तो उस प्रोडक्ट के आप इस्लामाबाद सेंटर के रेट भी मैच नहीं कर सकते तो ये ओवरऑल अपडेट थी कैपिटल स्मार्ट इंटरचेंज और बाकी तमाम चीज़ों को लेके सो व्यूअर्स दिस वाज इट फ्रॉम टुडे अगर आप कैपिटल स्मार्ट और स्मार्ट में बुकिंग के बाद कुछ मालूमा चाहिए तो, तो दिए गए नंबर पर रबाता करें इसके अलावा हमारी वेबसाइट विजिट करना मत भूलें डब्ल्यू 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 डॉट मकान सोलूशन डॉट कॉम वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें रिजवान चीमा को दीजिए इजाजत अगली वीडियो तक लिए खुदा हाफिज़